सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया कर नौ मे को जिस तरह मुझे वहाँ से अखवा किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब मैं रजिस्ट्री में बैठा हुआ था तो जिस तरह मुझे अखवा किया गया कमांडो एक्शन में आ, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया और उसमें दो चीज़ें वाजे हो गई कि एक कि ये गैर कानूनी था और गैर आइनी था जो तरीका इन्होंने जिस तरह मुझे वहाँ से अगवा किया है वो गैर कानूनी भी था और गैर हमारे आयन के खिलाफ भी था और ये भी उसमें आया सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि जब मैं चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश हुआ तो पहली दफ़ा मुझे पता चला कि क्या हुआ मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ हुई आग लगी कितने आ, आ, बड़े एहत हुए मुझे तो कोई अंदाज़ा ही नहीं था क्योंकि मुझे तो इन्होंने नजर बंद किया हुआ था तो ये भी चीज़ वाजे हो गई क्योंकि मेरे ऊपर केसेस पे केसेस किए जा रहे हैं पता नहीं कितने तीस चालीस केस कर चुके हैं अब तक कि ये मेरी ईमां पर सब कुछ हुआ है ये जो तोड़ फोड़ हुई है ये जो ज, 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 जलाया गया और जो ज, ज, जो एहत हुए तो मैं आज ये सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि अब अगर जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आ गया है कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे मुझे वहाँ से जिस तरह जिस तरीके से मुझे वहाँ से पकड़ के लेके गए हैं जिस तरीके से उन्होंने शीशे तोड़े रजिस्ट्री ऑफिस के वहाँ के स्टाफ को डंडे मारे उनकी कंप्यूटर और इक्विपमेंट को तोड़ा मेरे लोगों को जो गार्ड्स थे उनको मारा वकीलों को मारा मुझे सर पे डंडा लगा और फिर जिस तरह एक दहशत गर्द और मुजरिम की तरह वो जो कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबरा है सारी दुनिया ने वो फिर देखा जिस तरह मुझे इन्होंने वहाँ से पकड़ के लेके गए